ढोलपुर गांव में लिल्ली नाम की एक छोटी सी गाय अपनी माँ के साथ रहती थी। लिल्ली की माँ सुबह होते ही काम पर चली जाती थी और शाम होने से पहले लौट कर नहीं आ पाती थी, इसलिए लिल्ली दिन भर घर के पास अकेले ही रहती है। माँ, आप मुझे इतना कहने पर भी अपने साथ भाई को क्यों नहीं लेकर जाती हो? यहाँ घर के पास सुबह से शाम तक अकेले बैठ बैठ कर मेरा दिमाग खराब होता है। वो लोग इतनी मेहनत करने पर भी मुझे ही दो पैसे देते हैं बेटा। अगर तुम मेरे साथ आई तो वो तुमसे भी काम करवाएंगे और एक पैसा भी नहीं देंगे। इसीलिए लिल्ली की माँ उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती है, लिल्ली को बेकार की मेहनत से बचाने के लिए। लेकिन आज लिल्ली की माँ उसे घर के बाहर जाकर खेलने की सलाह देती है। लिल्ली के घर एक शमशान घाट के सामने है। लिल्ली दिन भर वहाँ पर आने वाले लोगों को देखकर ही अपना वक्त गुजारती है। ऐसे ही एक दिन लिल्ली उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। ऐसे कहते हुए लिल्ली इंतजार करती है। वो सब वहाँ से जाने के बाद वो पैसे उठाकर वही पास वाली दुकान में जाकर कुछ खरीदती है, लेकिन वो दुकान वाला लिल्ली को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आपसे मुफ्त में तोड़ी मांग रही हूँ, कुछ भी पैसे तो दे रही हूँ ना। पैसे तो दे रही हो लेकिन लशों पर लुटाए हुए। मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ, कहीं और जाकर खरीदो इन मनहूस पैसों से। लिल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पैसे ले जाकर अपने घर में छुपा लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिल्ली हर रोज उन पैसों को उठाकर इकट्ठा करती है। ऐसे उन पैसों से लिल्ली एक बर्तन भर देती है। वो देखकर लिल्ली की माँ, ये क्या है लिल्ली बेटा, इतना सारे पैसे कहाँ से आए घर में? क्या ये पैसे तुम्हारे हैं? ये पैसे उन लोगों के फेंके हुए हैं जो हर रोज यहाँ से अपने लोगों की लाशें लेकर जाते हैं। मैं वो पैसे उठा लेती हूँ लेकिन वो दुकान वाला मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देता है इन पैसों से, इसलिए ये इतने ज्यादा हो गए हैं। क्या सच में ये पैसे मनहूसी है माँ? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तुम्हें ऐसे कहने वाला एक बहुत बड़ा बेवकूफ ही होगा। ऐसे लिल्ली की माँ उसे अच्छे से समझाने पर लिल्ली हर रोज खुशी खुशी वो पैसे उठाकर जमा करने लगती है। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं। लिल्ली उन फेंके हुए पैसों से अपने घर का एक कमरा ही भर देती है और एक दिन बैंक वालों को बुलाकर वो चिल्लर ले जाकर नोट देने को कहती है। जब वो आते हैं तब वो दुकानदार ऐसे कहता है, अरे भाई शायद तुम्हें पता नहीं है इसीलिए वो पैसे ले जाने के लिए आए हो। वो पैसे मनहूस है, लशों पर लुटाए हुए पैसे है वो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पैसे हैं, हमें सिर्फ उसी बात से मतलब है कि वो पैसे इनके हैं। तुम अपनी मनहूसियत अपने पास ही रखो। ऐसे कहते हुए वो बैल सारे चिल्लर लेकर लिल्ली और उसकी माँ को नोट देता है। उन पैसों देखने के बाद लिल्ली और उसकी माँ और उस दुकानदार को पता चलता है कि वो अच्छे खासे धनवान बन गए हैं। चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना बन गए हो, वो पैसे है तो मनहूस की, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। आप चाहे कुछ भी कहो अंकल जी, हम आपकी बात बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप मुझे पहली बार आपकी दुकान पर आने पर वापस नहीं भेजे तो मुझे ये पैसे इकट्ठा करने का ख्याल ही नहीं आता। वो बात सुनकर दुकानदार को और भी गुस्सा आता है, लेकिन लिल्ली
और उसकी माँ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसे तुम्हारा है बेटा, बताओ इन पैसों से क्या करना चाहती हो तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन पैसों में से कुछ पैसे इस्तेमाल करके एक सुपरमार्केट खोलना चाहती हूँ माँ, उस दुकानदार को बताने के लिए। वो पैसे मनहूस नहीं, उसकी सोच मनहूस है कहकर। ऐसे कहते हुए दोनों माँ बेटी मिलकर एक सुपरमार्केट खोलते हैं और उन्हें उसमें भी ढेर सारे कामयाबी मिलती है। तब उस दुकानदार को समझ में आता है कि वो सब तो अच्छे ही है, छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार वो सब तो अच्छे ही है छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार अपनी जिंदगी में कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाया है। उदासपुर नाम के एक गांव में यात्री नाम की एक गाय रहती है। कुछ ही दिन पहले गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा भरने पर टायर फटने की वजह से यात्री के पति की मौत हो गई थी। तब से उदास यात्री अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है। माँ, मुझे छोटे भाई को संभालते हुए घर पर नहीं रहना है, मुझे भी बाकी के बच्चों के साथ स्कूल जाना है। आप इसे अपने साथ काम पर लेकर जाओ ना, तभी मैं स्कूल जा पाऊंगी। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन मैं मजदूरी का काम करती हूँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप और धूल मिट्टी होती है, तुम्हारा छोटा भाई ऐसे माहौल में नहीं रह पाएगा। यात्री की बेटी को स्कूल जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। ऐसे में क्या करना चाहिए यात्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी नजर अपने पति की उस पंचर की दुकान पर पड़ती है। यात्री काफी देर सोचने के बाद अपने पति की पंचर की दुकान को फिर से शुरू करने का फैसला लेकर उस दुकान को अच्छे से साफ करती है और अपनी बेटी से ऐसे कहती है, अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम्हें भाई को संभालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पिताजी की दुकान को फिर से शुरू करने वाली हूँ। वो बात सुनकर यात्री की बेटी बहुत खुश होती है और अगले दिन से स्कूल चली जाती है। क्या तुम्हें इस टायर को पंचर बनाना आता है? जी बिल्कुल आता है, आप 5 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी पंचर बना देती हूँ आपकी गाड़ी का। ऐसे यात्री गाय बड़े अच्छे से उस बैल की गाड़ी का पंचर बना देती है। पंचर बनाते हुए यात्री और वो बैल बात करते हैं कि कैसे सीखा उसने इतनी अच्छी तरह से पंचर बनाना। तब यात्री अपने पति के बारे में बताती है, ध्यानचंद मेरे पति थे, इस गांव में उन्हें सब जानते हैं और उनके साथ हुए हादसे को भी जानते हैं। ध्यानचंद मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, सुनकर बहुत दुख हुआ उसके बारे में। अब चिंता मत कीजिए, इस गांव में जितने भी गाड़ियां पंचर होंगी वो सब यहीं पर आएंगी। जैसे ये बैल कहकर जाता है वैसे ही लोग अपनी गाड़ियों के पंचर बनाने के लिए यात्री की ही दुकान पर आते हैं। इससे यात्री की आर्थिक स्थिति तो ठीक हो रही थी, लेकिन उस गांव के दूसरे पंचर बनाने वाले कंकर बैल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ये ध्यानचंद की पत्नी तो मेरा सारा व्यापार बंद करके मजा ले रही है, कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे कहते हुए एक दिन कंकर बैल जानबूझकर यात्री गाय से ऐसे कहता है, गांव में मेरी भी एक पंचर की दुकान है, फिर भी गांव के सभी लोग तुम्हारे ही दुकान पर आ रहे हैं। इस बात से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन गांव वालों की पत्नियों को तुमसे नफरत हो रही है। ऐसी बात सुनने के बाद यात्री गाय का दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है और वो कंकर बैल को कोई जवाब नहीं दे पाती है। और उसके बाद से यात्री गाय
अपने ग्राहकों से बात करना भी बंद कर देती है। ये काम तो हो गया है और अब बस एक आखिरी काम कर लूं, उसके बाद मैं अपने काम पर लौट जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कंकर बेल अपने दुकान से थोड़ी ही दूरी पर कुछ नुकीले और छोटे छोटे कीले डालता है और वहाँ से गुजारने वाले लोगों के टायर अचानक से पंचर हो जाते हैं। तब कंकर बेल, अरे भाई साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोगों मेरी दुकान पर आते नहीं हो? उतने दूर तक क्या जाओगे? यहाँ पर आ जाओ, मैं ठीक कर देता हूँ, बस 2 मिनट में। ऐसे कहते हुए एक के बाद एक लगातार पंचर बनाते जाता है कंकर बेल। तभी एक बैल को एक ही दिन में 10 बार अपनी गाड़ी का पंचर बनाने के बाद कंकर बेल पर शक होता है और वो ऐसा क्यों हो रहा है कहकर गौर करने पर उस बैल को कंकर बेल की चालाकी के बारे में पता चलता है। तो ये है तुम्हारा पंचर की दुकान का राज, सुबह से लगातार लूट रहे हो। एक एक बेल 10 बार आ रहा है फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? ऐसे कहते हुए वो बैल और बाकी के बैल मिलकर कंकर की खूब पिटाई करके ईमानदारी से काम करने को कहते हैं। और यात्री की दुकान भी पहले जैसे ही चलने लगती है।